और जबलपुर से बड़ी खबर है, नाबालिग का अपहरण कर रेप की वारदात हुई है। 10वीं की छात्रा है पीड़ित नाबालिग। वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हुआ आरोपी, पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, जबलपुर से नाबालिग का अपहरण कर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। 10वीं की छात्रा है पीड़ित नाबालिग। वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हुआ आरोपी, पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, बेहद जघन्य मामला सामने आया है, क्या कुछ और जानकारी मिली है? बिल्कुल हुसैन, देखिए ये पूरा मामला खमरिया थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक 17 वर्षीय 10वीं की क्लास की छात्रा थी, गोकुल नगरी स्थित खंडरनुमा मकान में जो युवक था उसे ले गया, वहां पर उसने दुष्कर्म किया और उसके बाद वहीं छोड़कर नाबालिग को वहां से फरार हो गया। 25 फरवरी की शाम की घटना है। नाबालिग जो थे काफी डरी और दहशत में थी, काफी समझाइश के बाद फिर वो जब थाने आई, थाने में आकर खमरिया थाने से पूरे मामले पर रेप और अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को जो है गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम अंकित श्रीवास्तव है, जो उसी इलाके का रहने वाला है, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और एक बार फिर महिला सुरक्षा पर भी सवाल उठे हैं। जी लेकिन शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए दुर्गेश। तो महिला सुरक्षा पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं इस वारदात के सामने आने के बाद। और छोटे से ब्रेक लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द वापस लौटेंगे।